हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर। एक्सरसाइज चेक योरसेल्फ, पेज नंबर है जी 59। फिल इन द ब्लैंक्स। 945 डिवाइड ब्लैंक्स गिव कोशेंट 105 एंड रिमाइंडर 0। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें आपको डिवाइडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर निकालना है। ओके स्टूडेंट, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको, मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देके बता रहे स्टूडेंट, मान लीजिए 10 है और डिवाइड हमें पता नहीं हमने इसे कैसे डिवाइड किया और आंसर यहाँ 5 आ गया, ठीक है, आपको डिवाइजर निकालना है। तो आप जो डिवाइडेंट होता है उसे आप डिवाइजर से कोशेंट से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 10। तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, देख लीजिए 2 5 10। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार आप इसे डिवाइड कर लेंगे 945 को, कैसे, 105 से। ओके स्टूडेंट, तो जी स्टूडेंट आप देखेंगे कितनी बार चलाएंगे, यहाँ लास्ट में क्या है, 1 है। अगर 9 चलाएं, 9 तो 9 ही चल जाएगी स्टूडेंट, 9 5 45 और 9 1 9। तो स्टूडेंट हमने इसे कैसे डिवाइड किया, 9 से, ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है, 856 को डिवाइड किया किसी डिजिट से और जो आंसर आया आपका कोशेंट 1 आ गया। तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर हम सेम डिजिट को डिवाइड करें तभी आंसर हमारा 1 आता है ना, रिमाइंडर 0 है। तो हमने इस डिजिट को इसी डिजिट से डिवाइड किया तो जब ही हमारा आंसर 1 आया, ठीक है जी। अब स्टूडेंट सी वाला, 9246 डिवाइड 8। अगर हम इस डिजिट को स्टूडेंट 8 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक है जी। तो आपको रिमाइंडर बताना है कितना है। तो स्टूडेंट इसके दो मेथड है आपके, आप या तो स्टूडेंट इन्हें इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसे इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर स्टूडेंट सीधा ऐसी बात है आप इन्हें डिवाइड करके ही देख लो, 9246 को 8 से कर लीजिए तो आंसर तो हमें पता है स्टूडेंट ये आ रहा, तो आंसर सेम का सेम लिख लेंगे, है ना, 8 1 8, 1 2, 8 1 8, 4 उतार लिया, 5, 8 5 40, स्टूडेंट 4 आ गया, ब्रिंग डाउन कर लिया 6, 8 5 40, तो स्टूडेंट 6 रिमाइंडर आ गया, है ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल सकते हैं। राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिए हुए स्टूडेंट उनके लिए आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। तो ये है जी 328 को 4 से डिवाइड किया। तो स्टूडेंट अगर हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो जो डिजिट होगी, जो डिवाइडेंट होगा, जो आंसर होगा वो हमेशा उससे कम होगा, है ना, या सो उससे आधा होगा स्टूडेंट, या उससे आधे से भी कम होगा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो ज़्यादा है, ये तो 100 प्लेस तक ही है, ये 1000 प्लेस में आ गया, तो डिवाइड कम मतलब था कम आना था, तो स्टूडेंट ये फॉल्स है, मल्टीप्लाई थोड़े की हमने जो ज़्यादा आएगा डिवाइड की, तो यानी कि हम 328 को 4
फोर टाइम्स इक्वल डिवाइड कर रही, इनके चार जगह बराबर बराबर बांट रहे। डिवाइड का मतलब ये भी होता है, अगर हम किसी भी संख्या से किसी डिजिट को डिवाइड कर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उतने ही टाइम्स बराबर बराबर बट जाता है। ठीक है जी, डिविजन्स मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल शेयरिंग ऑफ ए थिंग। डिवाइड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो स्टूडेंट ये बात आपकी सही है, ट्रू है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए अगर आप 20 को चार जगह बांटना चाह रहे हैं, है ना, चार पंजे 20, तो स्टूडेंट 5 आंसर आएगा। तो आपने 5 5 5 जो 20 वस्तुएं थी आपने उसे पांच पांच जगह इक्वल इक्वल बांट दिया, है ना। जब इतना 20 आया तो इसका मतलब ये सही है। ए नंबर डिवाइड बाय 1, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं आंसर भी वही नंबर होगा। तो स्टूडेंट ये भी ट्रू है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो स्टूडेंट ये करेक्ट ऑप्शन है इन पे आपको टिक के निशान लगाने हैं। ठीक है जी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट आप जानते हैं अगर सेम डिजिट को हम उसी सेम डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 कितने इस नंबर में कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। तो स्टूडेंट 5 1 आएगा। अब 5 1 कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए बी वाला ऑप्शन। स्टूडेंट अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा, याद रखिए। तो सेकंड ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट ये वाला है, ये भी इसमें भी 3 0 हैं, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। तो स्टूडेंट अगर हम एक 0 से एक 0 रिमूव कर दे, 0 से रिमूव कर दी, इस 0 से रिमूव कर दी, इस 0 से रिमूव कर दी, तो हमारे पास कितना बचा, 32। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर वही नंबर आएगा, तो 32 ही आएगा। और ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, चाहे आप डिवाइड करके देख लें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका अच्छा क्योर सेल्फ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, फिर भी अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।